कैसे हैं विद्यार्थियों? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक रंजन आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम आपके द्वितीय पाठ्य पुस्तक कृतिका के अध्याय 1 से माता का आंचल कहानी का पाठ करेंगे। इस कहानी के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। शिव पूजन सहाय ने बचपन के दिनों को याद करते हुए इस कहानी को लिखा है और बचपन में जिस तरह की बालक गतिविधियां करते हैं और उनका माता पिता के साथ क्या स्नेह रहता है और माता पिता के द्वारा किस तरह से उन्हें लाड़ प्यार किया जाता है, इस घटना को दर्शाते हुए यह कहानी लिखा गया है। तो हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। माता का आंचल पाठ में लेखक माता पिता के स्नेह और शरारत से भरे अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि उनके पिताजी उनको बचपन में भोलानाथ कहकर बुलाया करते थे, जबकि उनका वास्तविक नाम तारकेश्वर था। बालक भी अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे और माता को मैया कहते थे। बालक का अपने पिता के साथ इतना अधिक लगाव था कि वह अपने पिता के साथ ही सोते थे, उनके साथ ही उठते थे, यहाँ तक कि पिताजी ही उन्हें नहलाते थे। जब पिताजी पूजा करने बैठते तो बालक भी उनके पास बैठ जाते। पिताजी जिस तरह से भगवान शिव के मस्तक पर तिलक लगा होता था, उसी तरह का तिलक बालक के माथे पर लगाते और बालक उस तिलक को बार बार आईने में देखकर मुस्कुराते और जैसे ही उनके पिताजी उनको देखने लगते तो वह शर्म आ जाते। तो इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं बालक थोड़ा शर्मिला भी था, जो अपने पिता के द्वारा या किसी के द्वारा कोई कार्य करने की गतिविधि देख लिए जाने पर शर्मा जाता था। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा के किनारे मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे। पिताजी अपने साथ एक राम नाम की पर्ची लिखा करते थे। उस पर्ची को आटे की गोलियों में मिलाकर गंगा में डालकर लौट आते थे। उस रास्ते में पड़ने वाले जितने भी पेड़ पौधे होते थे उसके पिताजी उसे हिलाते डुलाते चलते थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बालक के पिता भी अपने अंदर एक शरारती बच्चों की हरकतें को प्रदर्शित करते हैं। घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कौर छोटे लगते थे। वे पक्षियों के नाम के निवाले यानी कि कौर बनाकर जब उनके उड़ने का डर बताती थी तो वह बालक उन्हें उड़ने से पहले ही झट से खा लेता था। खाना खाकर बाहर जाते ही माँ उसे झपटकर पकड़ लेती। मतलब कि जिस तरह से बालक गतिविधियां करता था और खाना खाने के बाद जैसे बच्चों की एक आदत होती है कि वह खेलने के लिए भागते हैं, तो लेखक भी बचपन में ऐसा ही करते थे कि खाना खाते ही झट से बाहर निकलने की कोशिश करते और माँ उन्हें पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती थी कि बालक इस डर से घर खाना खाने के बाद तुरंत भागने का प्रयास करता था क्योंकि उसे मालूम था कि माता उसके बालों में तेल लगा देंगी। तो इस तरह की गतिविधियां बालक करते थे लेखक करते थे जिससे वे अपनी माता से बचे। कुर्ता टोपी पहनकर चोटी में फूलदार लट्टू लगा देती थी। मतलब उसकी माता उसके बालों में तेल लगाती और उसका चोटी कर देती थी बालों को और एक फूल बना देती थी उसके बालों पर। बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल की बिंदी लगाती। हम देखते हैं कि गांवों में हो या शहरों में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको दूसरों की नज़र या का ऐसी इस प्रकार की काली नज़रों से बचाने के लिए उनके माथे पर या कान के नीचे एक काला टीका लगा दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं इस कहानी में भी है जो लेखक की माता के द्वारा लेखक के साथ किया जा रहा है कि जब वह घर से बाहर निकलने लगता है तो उसके कान के नीचे और माथे पर एक काला टीका लगा दिया जाता है।
वहाँ खड़े अपने मित्रों को देख वह रोना भूल खेल में लग जाता था। तो जैसे ये सारी घटनाएं होने के बाद वह जब खेल के लिए बाहर अपने दोस्तों को देखता और उसकी माता जब उसे नहीं जाने देती थी तो वो इन चीज़ों को देखकर रोने लगता। फिर जैसे ही उनके सामने उनके मित्र आते तो वो उनको देखकर चुप हो जाता और खेलने के लिए जल्दी से घर से भाग जाता था। पिताजी उसको बड़ा है लाड़ करते थे कि पिताजी जो लेखक के पिता थे भोलानाथ के, वो उसको बहुत अधिक प्रेम करते थे। वे कभी उसके हाथों पर चुमा करते थे। एक पिता का प्यार स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह से उसके पिताजी उसके हाथों को चूमते थे, कभी दाढ़ी मूछ गड़ाते थे, मतलब उसके गालों पर दाढ़ी और मूछ गड़ाया करते थे, कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते। तो एक पिता का अपने पुत्र के साथ जो स्नेह है वह यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि एक पिता अपने बालक से किसी भी परिस्थिति में हार जाने पर भी स्वयं को खुश महसूस करता है। घर के सामने ही खेले जाने वाले मिठाई की दुकान के खेल में दो चार गोरखपुरिये पैसे देकर शामिल हो जाते। तो इस तरह से अपने आसपास के जो भी उनके लोग होते थे वो उनको थोड़ा पैसे वैसे देकर उनके साथ भी खेल में शामिल हो जाते। तो इस तरह हम देखते हैं कि बालक के पिता और माता के द्वारा उन बालक के प्रति असीम स्नेह है और वो हर चीज़ों से अपने पुत्र को बचा कर रखना चाहते हैं और तमाम प्रेम और स्नेह उस पर लुटाना चाहते हैं। कहानी का दूसरा भाग हम अगले पार्ट में करेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। धन्यवाद।